स्वागत है आपका मेरे चैनल में बी द थिंकर में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम लोगों ने बात की थी, एसिड की बात हो गई थी, बेस की बात हो गई थी, अब बात करते हैं सॉल्ट की। लेकिन उससे पहले एसिड और बेस को जज करने के लिए जो हम लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं उसमें एक चीज़ आती है पीएच स्केल। ओके, उसकी बात करते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच, पी के ऊपर एच, तो पी स्टैंड फॉर पोटेंस। पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड, पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है पावर। पोटेंस जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर, ठीक है। एच जो है वो एच प्लस यानी हाइड्रोजन आयन के लिए रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो देखते हैं पीएच स्केल। ठीक, पीएच स्केल क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। कोई भी एसिड है या बेस है उसकी स्ट्रेंथ आपको बतानी है तो आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल। ठीक है, ये जो स्केल है, पी पोटेंस हो गया, जर्मन है पावर होता है, एच कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। ओके, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, मींस वन अपॉन दिस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर। कंसंट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इट मेजर्ड इन नंबर्स फ्रॉम 0 to 14। 0 to 14 में ये क्या कहते हैं, मेजर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब 0 to 14 में अगर आप एक स्केल लेते हो और उसमें 0 to 14 आप मार्किंग करते हो, ठीक है, तो उस स्केल में आपको 0 भी मिलेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर रुक जाओ। 0 से 7, ये 7 है, ये 0 है, 0 से 7, 7 के जस्ट पहले तक, यहाँ तक के जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं किस चीज़ का? वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम लोगों के एसिड्स का। मींस 7 के बिलो 0 तक अगर पीएच स्केल आता है तो इसका मतलब वो है एसिड। क्या है? एसिड। 7 को छोड़ो, अभी 7 के जो आगे 14 तक का मैंने बोला 0 to 14, 7 के आगे, 7 को नहीं काउंट कर रहा हूँ, 7 के आगे 14 तक, 14 को भी काउंट करके, ओके, 7 को छोड़ के 7 के आगे 14 तक, 14 को भी काउंट करके जितने भी नंबर्स हैं अगर पीएच की वैल्यू इतनी आती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं बेस। क्लियर। और बात करते हैं 7 की। 7 न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, नॉट एसिड, नॉट बेस। मुझे इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉग होता है शायद, चेक कर लेना। ठीक, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं तो हो नहीं, ठीक है, लेकिन लॉग शायद होता है, लॉग होता है, मतलब मुझे क्लिक हो रहा है इसलिए बता दिया, नहीं तो आप लोग को गलत पढ़ा दिया। ठीक, ओके, तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, 0 से less 7 तक एसिड होगा, 7 न्यूट्रल होगा, more than 7 to 14 बेस होगा। क्लियर। तो यहाँ देखो एक बनाया है, सीधी लाइन नहीं है, वो समझ रहे होगे। ठीक है, तो एसिडिक होगा, 7 को न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल से इधर साइड 0 तक का एसिडिक, उधर साइड बेसिक। क्लियर। पीएच स्केल इतना ही है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे कुछ पीएच स्केल की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड में पीएच जो गैस्ट्रिक जूस का होता है, जो हम लोग का होता है ना, जो पेट में बनता है, ठीक है, 1.4। कॉफ़ी जो हम लोग सोचते हैं नहीं 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 ये क्या हम लोगों को इफेक्ट करेगी, नहीं, कॉफ़ी भी एसिडिक होती है, कॉफ़ी एसिडिक होती है, कितना है? 5। ओके, मिल्क, मिल्क में तो आपको पता है लैक्टिक एसिड होता है, ठीक, तो एसिड जब नाम है तो एसिडिक होगा, बस इसका याद रखना पीएच। ये कुछ इंपॉर्टेंट है पीएच, इसलिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, 6.5, यहाँ पे ए लिखा है मतलब एसिडिक, न्यूट्रल, प्योर वाटर न्यूट्रल होगा, ठीक, और बी मतलब सारे बेस। देखो सलाइवा खाने से पहले, खाने से पहले 7.4 होता है, लेकिन खाने के बाद
हो गया 5.8, सॉरी ये बेस नहीं एसिड होगा, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, आप खाना खाते हो, खाने में आपने क्या चीज़ ली, जो आपकी कॉफ़ी होगी, ठीक है, आप टोमेटो जूस लोगे, आप विनेगर लोगे, आप नींबू यूज़ करोगे, आप इतनी सारी जितनी मैक्सिमम जितनी आप चीज़ें खाने के लिए यूज़ करते हो, अगर आप कच्ची सब्जियां नहीं खाते हो, फल फ्रूट्स नहीं खाते हो, फल भी मैक्सिमम जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी आप अगर अल्कलाइन फूड खाते हो, ठीक है, तो आपका मतलब तो दिक्कत नहीं होगी, तो एसिडिटी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। लेकिन हम लोगों के जो नॉर्मल हम लोग खाना खाते हैं, जो रेगुलर हैबिट्स में है, वो सारे के सारे आपके एसिडिक फूड्स होते हैं। ओके, सलाइवा बिफोर मील 7.4 बेसिक, सलाइवा आफ्टर मील 5.8 एसिडिक, क्योंकि 7 से कम हो गया ना, 7 से कम तो एसिडिक, वो कुछ एक साथ में भी लिख गया था। ब्लड 7.4 होता है। एग्स, जो हम लोग एग्स खाते हैं ना, अंडे, ठीक, 7.8 होता है। तो हाँ, अगर आपके लोगों को आपको मना करें, एक चीज़ याद रखना, मैं क्या हूँ ये बहस का मुद्दा नहीं है यहाँ पे, लेकिन एग बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है साइंस के अकॉर्डिंग, और साइंस इसे नॉन वेज नहीं मानता है, ये बात याद रखना, साइंस एग को नॉन वेज नहीं मानता है, क्लियर। क्योंकि अगर आप इस हिसाब से देखोगे, तो इस हिसाब से जो भी आप मिल्क पीते हो, ठीक है, वो भी आपका वेजिटेरियन नहीं होगा, मिल्क भी आपका वेजिटेरियन नहीं होगा, क्लियर। बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहस में नहीं चल रहा हूँ, सीधी ये एजुकेशनल पर्पज से हो रहा है यहाँ पे बातचीत, ठीक है, इसमें कोई चीज़ निगेटिव वे में नहीं लेनी है। ओके, एक्स हो गए 7.8, टूथपेस्ट 8.0, करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। आगे बात कर लेते हैं, पीएच का जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो बात करते हैं। देखिए, पीएच हम लोगों की लाइफ में टूथ डिके हो सकता है, क्योंकि माउथ में सलाइवा जो होता है खाने खाने के बाद, आपको पता है अल्कलाइन हो जाता है, अल्कलाइन एसिडिक हो जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग के दांतों को प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग टूथपेस्ट से खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं, और जिस वजह से, क्योंकि ब्रश करने में आप क्या करते हो, टूथपेस्ट यूज़ करते हो, और टूथपेस्ट क्या होता है, क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है, टूथपेस्ट होता है बेसिक, तो वो माउथ से जितने भी आपका एसिडिटी होती है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, करेक्ट। इसी तरीके से अगर सॉयल है आपकी, उसमें आपका क्या कहते हैं, एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो उसमें आप चॉक यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, आप क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, ठीक। और हाँ, अगर आपको कोई भी इंसेक्ट कभी बाइट कर लेता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, इंसेक्ट के जो स्टिंग्स होते हैं उनमें होता है आपका कोई एसिड, जैसे आंट में होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, बेकिंग सोडा थोड़ा सा लिया, उस जगह पे रब कर लिया, अब रिलीफ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को पता है, हम लोगों के बाइल जूस होता है जो कि एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिड बनेगा तो क्या होगा, हम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एसिड्स यूज़ किए जाते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक, तो उसमें हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं उसे, क्लियर। तो स्टिंग वाला हो गया, वाटर पीएच को भी बैलेंस करने के लिए कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर में जितने भी लिविंग स्पीसीज रहते हैं ना, उनकी लाइफ को हम बचा सकते हैं। कुछ रह गया इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। बात करते हैं सॉल्ट्स की, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सॉल्ट जो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है, ठीक है, एक और तरीके से बनने का कह सकते हैं इसका, कि जब एसिड में से उसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है किसी मेटल के थ्रू, कोई एक मेटल एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, तो भी जो कंपाउंड बना वो आपका सॉल्ट कहलाता है, क्लियर। तो सॉल्ट आपके दो तरीके से बन सकता है, एक तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए मेटल से किसी एसिड का, ठीक है, तो सॉल्ट बन गया, अदरवाइज एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो वाटर और सॉल्ट बनेगा, क्लियर। अच्छा, अब बात करें अगर कि पीएच की, या फिर कि क्या कहते, किस तरीके का सॉल्यूशन कहलाएगा आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो इस चीज़ पे बेस करेगा कि
कि आपका जो सॉल्ट है ठीक है वो किस किस एसिड और किस किस बेस से मिलके बना है। ठीक, लाइकवाइज लेते हैं HCl आपका है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ठीक, और आपने ले लिया NaOH, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों की रिएक्शन से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से जो बनेगा सॉल्ट वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। इसका अपोजिट अगर आप कोई एक वीक एसिड ले लें, CH3COOH जो कि सिरका होता है, एसिटिक एसिड ले लिया NaOH के साथ ले लिया ठीक है, तो NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और एसिटिक एसिड क्या है वीक एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से जो चीज आपकी बनेगी, जो सॉल्ट बनेगा वो आपका होगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने और साथ में उसमें ले लिया HCl ठीक है, HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट उस पर आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्ट का। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा और फॉर्मेशन बता दिया आपको ठीक है, और हाँ सॉल्ट का सिर्फ मीनिंग यही नहीं होता है कि टेबल सॉल्ट, सॉल्ट वैरायटी है एक्चुअली ठीक है। सॉल्ट में आपका सिर्फ NaCl नमक नहीं होता है, नमक ही सिर्फ सॉल्ट नहीं, ये याद रखना जब आप साइंस की बात करोगे, वरना तो आप मम्मी को मम्मी सॉल्ट दो, मम्मी तो एक ही सॉल्ट ला के देंगे, नहीं तो आपको ये थोड़ी ना मांगा था NH4Cl ला के दो तो चांटा देंगे, याद रखना ठीक है। अच्छा सॉल्ट हो गया, सॉल्ट फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सीधा ठीक। अच्छा सॉल्ट, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना हाँ ठीक, क्योंकि सॉल्ट जो है वो आपका एक आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक फॉर्म में होता है ठीक। जब भी आप सॉल्ट को ब्रेक करोगे तो सॉल्ट आयन्स की फॉर्म में ब्रेक होगा ठीक, मीन्स एक एनायन और एक कैटायन। जब एनायन और कैटायन बन रहा है उसमें, तो इसका मतलब है सीधी सी बात है कि उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, उसके सॉल्यूशन में, उसमें नहीं उसके सॉल्यूशन में, मोल्टन फॉर्म में ले सकते हो ठीक है, उसके सॉल्यूशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जरूर होगी। क्लियर, और कुछ बचा, आयन्स मिलते हैं हाँ ठीक है। तो सॉल्ट की स्टार्टिंग कर दी है ठीक है, जनरलाइज कर दिया है, जितने भी सॉल्ट हैं एक एक करके उस पर वीडियो बनेगा ठीक है, सारे देखना अच्छे समझ आएगा ठीक है। सब्सक्राइब करना, बाकी शेयर कर देना लोगों की मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैला देना ठीक है। थैंक यू।